ओम जगन्नाथस्तकं पुण्यंज पठेत प्रयत शुचि सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णु लोकं सगच्छति इति श्री शंकराचार्य प्रणीतं श्री जगन्नाथस्तकं संपूर्णं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तंकु समस्त श्रोता बंधु को प्रणाम मोहर ये सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्तवरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरवा जुहाव द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखा अमृतद्रवसंयुतम् अमृतद्रवसंयुतम् मत भागवतं रसमालयं मुहुरुहो पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुहो। रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते भगवान आते नहीं कौन कहते भगवान आते नहीं तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं तुम
मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते 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 चलो, कृष्ण अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजा पृथु देखिले कि मोर जो राज्य शासन रे भोजन पाई ही लोक माने हैरान होचंती एवं से माने कष्ट भी पाउचंती, गुहारी कले राजा को, तो राजा क्रोधित होके धनुष बाण बाहर कले, क्रोधित है धनुष बाण बाहर के पृथ्वी को विदारित करके धरातल करिया पाई चाहिले, तो पृथ्वी माँ गाई रूप धारण करके दौड़ी चलला, तो जमती गाई को गोटे बाघ आक्रमण करे सेमते पृथु आक्रमण कर चलले, आउ किछि जूठी जूठी जानती देखते कि पृथुर ही राज्य पृथ्वी ही धनुष बाण धरिकी ठिया होती, तो शेषे क्षमा मागिला, जिते क्षमा मागिला एवं से कहिला कि आपण सब समतल करंतु फास्ट है, बर्तन अष्टादश 18 चैप्टर आम देखा, इत्ते सुंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर जो सिस्टम अच्छी, इरिगेशन डैम पॉन्ड ये सब सिस्टम्स एठारे अच्छी, ये सत्य युगर कथा एवं आहुरी भी वर्णन रही अठर लास्ट रे अठर अध्याय कि जो नगर सहर बाटिका चिकित्सालय जो डिजाइन तैयारी करी कि जो स्टार्टिंग करेले एस्टैब्लिश करेले ये प्रथम ही तापूर्वरूप है ही नहीं, नया नया जिनस बड़ा सुंदर
लगे जो मन टे मॉडर्न इंजीनियरिंग प्लानिंग बाय इरिगेशन बाय ये सब भौतिक लौकिक टेक्नोलॉजी हाईली प्रोजेक्ट तंक ये चैप्टर टा बहुत ही बढ़िया लगे। तो कौन सुन तो फर्स्ट हो ची माँ कहले पृथ्वी माँ अम्मा नंगो पाई माँ पृथ्वी तो तंगो बेटी वाली कहेवे तुम्हें मोर पुत्री से प्रसंग टा देखिवा। तो पृथ्वी माँ जेतले कहले फर्स्ट हो ची अपनो समतल करंतु मते भावंतु समतल करंतु तापर समतल करिया पई जहा करिया पई करिवे ता कोन प्रार्थना मु करूची 18 अध्याय रे कहउचन एवं आपण कोन करिवे कृषि एग्रीकल्चर देखो शब्दटा पूरा क्लियरली अछि कृषि एग्रीकल्चर पई जो जो ऋषि मान आगुर सब करथले कारण मनु होचंते आंकर पूर्व पुरुष मनु गठर स्टार्ट हेछि मनु मध्य सबु शस्यर बीज धारण रखी की सप्तर्षि को धरी की प्रलय जतबेले हबो सेतबेले नौका रे बसिले एवं मत्स्य भगवान मत्स्य अवतार हेके आसले एवं से रक्षा कले एडा मां पृथ्वी कहउचंदे अपन कृषि पाई जहाँ किछ आवश्यक जो उपाय लौकिक एवं पारलौकिक लौकिक कौन लौकिक माने जो मॉडर्न सिस्टम जो 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 मेथड अछि फर्स्ट होछि माटी समतल हवा दरकार सेकंड होछि हळ प्रक्रिया क्रम ये होछि लौकिक कौन से गोटे प्रोजेक्ट पाई जहाँ लौकिक अब जमते इलेक्ट्रिसिटी आसीबो इलेक्ट्रिसिटी पाई लौकिक मेथड दि तीनटा अछि तो ज्यादातर हाइड्रो रु चलुची सारा वर्ल्ड रे एवं विशेष करके अमर भारत होची नदी प्रधान देश जंदे महानदी हो भाकरा नंगल हो हिमाचल प्रदेश रे तो छोटो छोटो तयारी हे जाउची दी पहाड़ टा को मिसाई दी के पानी टा संग त जोड़ी दउचन दे जो माने उत्तर काशी रु गंगोत्री जाउचन सेटर भी देखिथिवे डैम अछि तेनो इलेक्ट्रिसिटी तयारी हो कोले जो डैम तैयारी करके पानी को पके के ताको जो बुलीवा ये होचे लौकिक उपाय प्रोजेक्ट जो कहते प्रबंधन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट करते प्रकल्प प्रोजेक्ट माने प्रकल्प तो लौकिक उपाय करिवे आ गुटे पारलौकिक उपाय कोन यज्ञ देखो यज्ञ द्वारा मध्य देवता माने सब दउथले यज्ञ द्वारा देवता मानको दियंती परस्परम भावयंतः ते देवान भावयतानेन गीता रे आमे तृतीय अध्याय पढ़ी चंदे श्रेय परम वाप्स्यथ ऋषि माने ये सब मेथड जानी थे एबे जेमते बहुत भल भावे जाने जदि कंप्यूटर र एक्सपर्ट है जीवो देन ताको से अनुसार ताको मिलिबो चकरी ये गोटे प्रोजेक्ट ये गोटे लौकिक उपाय उपाय माने मेथड तेणु लौकिक एवं पारलौकिक लौकिक हूँ कृषि एवं पारलौकिक हूँ यज्ञ आदि इसलिए लिखा ही अग्निहोत्र आदि दृष्टा योगा प्रयुक्ता पुंसा श्रेय प्रसिद्ध तीन नंबर रे मनुष्य कल्याण पाई प्रथमे से माने करी चंती अस्मिन लोके अथवा अमुस्मिन यही लोक अमुस्मिन माने लो पारलौकिक स्वर्ग देवता माने मुनि भी ही तत्वदर्शी भी ही किए कर मुनि माने तत्वदर्शी माने ऑलरेडी कर दे कौन दृष्टा योगा प्रयुक्ता शब्द टा शब्द भीतर बहुत अर्थ अच्छे दृष्टा माने से देखी अनुभव कर प्रयुक्ता योगा प्रयुक्ता योगा माने जी थ्योरी प्रयुक्ता माने उपाय प्रैक्टिकल अर्थात तार जो फिलोसफी
ଏବଂ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଉଛି ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଉପାୟ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ୟୋଗାଃ ପ୍ରୟୁକ୍ତାଃ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଋଷିମାନେ ଅନେକ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି ତାନାତିଷ୍ଠତି ସ ସମ୍ୟକ ଉପାୟାନ୍ ପୂର୍ବଦର୍ଶିତାନ୍ ଚାରି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନିହିତ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ତ ଏଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପାୟାହା ଉପାୟ କ'ଣ ଚାରି ନମ୍ବର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ପୂର୍ବପୂର୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଏଇ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା କୌଣସି ଜିନିଷର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ନଥିବ ନା ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୟା ତ ମଝିରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ୟା ତ ଠିକ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବନି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପତି ପତ୍ନୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ତ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପେତ ଇଏ ଶବ୍ଦଟା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧୟ ପେତ ଗୀତା 6 ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପେତ ଥିବ ଅୟତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟ ପେତ କାମ ଗତି କୃଷ୍ଣ ଗଚ୍ଛତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅୟତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଏଣୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲାନି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର କ'ଣ ଉପାୟ ହବ ତାର କ'ଣ ଗତି ହବ ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟୋପେତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଆଚରଣ କଲେ ଉପେୟାନ୍ ବିନ୍ଦତେ ଅଞ୍ଜସା ଆଚରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସୁଗମତାରେ ବିନ୍ଦତେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଗମତାରେ ଅଞ୍ଜସା ସୁଗମତାରେ ଅଭିଷ୍ଟ ଫଳ ମିଳିବ ଇଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଅନାଦର କରିକି ନିଜର ମନ କଳ୍ପନା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ ବିଷୟଭ୍ୟ ଚରଣ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତନ ମାନେ ଚରଣ କରିକି ଉପାୟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେ ସବୁ ଉପାୟ ଏବଂ ପ୍ରୟତ୍ନ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଏ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ତାନ ଅନାଦୃତ୍ୟ ତାନ ଅନାଦୃତ୍ୟ ଅନାଦୃତ୍ୟ ଅନାଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାଦର କଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ତାନ ଅନାଦୃତ୍ୟ ୟୋ ବିଦ୍ୱାନ ଅର୍ଥାନମ ଆରଭତେ ସ୍ୱୟଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅନାଦର କରିକି ମନକଳ୍ପିତ ଉପାୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତସ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚରନ୍ତ୍ୟର୍ଥାମ ଆରବ୍ଧାଶ୍ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରୟତ୍ନ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ ଯାହା ବି ଆରବ୍ଧ ମାନେ କର୍ମ ଆରବ୍ଧ କର୍ମାରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି ଆରମ୍ଭ ମାନେ କର୍ମ ସର୍ବାରମ୍ଭା ହି ଦୋଷେଣ ଗୀତାରେ ହିଁ ଅଛି ତ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ମାନେ କର୍ମ ଆରବ୍ଧ ମାନେ କର୍ମ କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଏ ଆରବ୍ଧା ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ ବ୍ୟଭିଚରନ୍ତ୍ୟର୍ଥ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ପୁରା ସୃଷ୍ଟା ହୌଷଧୟୋ ବ୍ରହ୍ମଣା ୟୋ ବିଷମ୍ପତେ ଭୁଜ୍ୟମାନା ମୟା ଦୃଷ୍ଟା ଅସଦ୍ଭି ଅଧୃତ ବ୍ରତୈ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନି ଗଲି ଚାରି ଗଲି ପାଞ୍ଚ ଗଲି ଛଅ ଗଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି କେଉଁ ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଁ ନଉଛି କେଉଁ ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଁ ନଉନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର ନେବି ହେନା ଏଣୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି କି କେବେ ଅଧିକ ନଉଛନ୍ତି କେବେ କମ୍ ନଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାର ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କାଲି ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଆଉ ଉପଦେଶ ଦିଅନି ମୁଁ ବିଦ୍ୱାନ
अर्थानाराभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्थाः आरब्धाश्च पुनः पुनः कोचन्ति। परंतु जिए अज्ञानी ए परिभावरे अनादर करिकी करे तार कर्म निष्फल हे जाए। तमे सुनो माने हे राजन ब्रह्मा मध्य जेतेबेले धन धान्य आदि को उत्पन्न कले बर्तन तो पॉइंट अछि शस्य पई धन धान्य पई तण धन धान्य पई उत्पन्न करेले सेतेबेले स्टार्टिंग रे तो मनु आदि जेतेबेले ठीक थिला किंतु पोरे पोरे कोन हला जेंते आपणंकर जो शरीर बापा बेन आदि राक्षस आदि अनेक राजा एमती भोग करिया को लागले आ यज्ञ कले नाही नीति नियम पालन करला नाही पूरा सृष्टा औषधय औषध रो अर्थ कोण साधारण तो औषध माने मेडिसिन को छ वनस्पतयः औषधयः प्रत्येक वृक्ष को औषध को आ जाए चरक एवं सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य रे औषध रो वर्णन अछि प्रत्येक वृक्ष रे एबर कोनसे गोटे घास भी ना है जोटा रे औषध गुण नथियो। औषध शब्द औषति औषति माने नाश करिवा ध माने ग्रहण करिवा माने एटा कोन हला औषध देखन शब्दटा अछि अर्थात दोषान औषति गुणान धत्ते इति औषध माने दोष को नाश करैब एवं गुण को धारण करैब तार ना होचो औषध। केते सुंदर सिस्टम एलोपैथिक रे दोष को नाश करै दोछ किंतु गुण को धारण करिया पई एते रिसर्च है नै किंतु आयुर्वेद रे दोष को नाश भी करा जाए एवं गुण को धारण भी करा जाए तेणु औषधीर अर्थ या तेणु धीरे धीरे कौन है असुविधा ये जो एमाने दुराचारी माने सब खाई गले एणु राजा लोग कौन कले आदर छाड़ी के समस्ते भोजन करके नष्ट करया को लागले तेणु मु औषधी को कौन कले छिपे देली जो सार जो एसेंस ताको मु इनहेरेंट जो पोटेंशियल एनर्जी कहंती इनहेरेंट एनर्जी कहंती ताको मु करै देली कोन छिपे देली ए मु ही मो भितरे गोप्य गोपन रप रख देली। अधिक समय हेला पोरे ए जो मु उदय भीतर रखी देली आउ सब जीर्ण हो गला आउ आउ नाही शस्य ये जेमते आमर शरीर भीतर होउछि ना आमे तो पृथ्वी मार गोटे अंश मात्र तो आमो भीतर माइक्रो रे जाउछि ता माक्रो रे भी होउछि तो देखो तो एटा क्लियर लिखा हिछि कोन गोटे मेन पॉइंट टाको इट इज ए वेरी वाइटल पॉइंट जीर्ण हे गला आठ नंबर रे नूनम ता विरुद्ध क्षीणाह मई कालेन भूयसे क्षीणाह माने सब नष्ट हे गला जो सस्य जाक सब मु रखिली मोर हृदय माने पृथ्वी भीतर सब नष्ट हे गला माने स्वामी जी की तो किछि बुझेला नै तत्र योगेन दृष्टेन भवान आदितुम अर्हति एणु आपण कोण करिवे भवान माने आपण तत्र योगेन दृष्टेन भवान आदितुम अर्हति आपण कोण करंतु पूर्व आचार्य माने जोटा कहितिले योगेन दृष्टेन जो उपाय द्वारा जो दिया हितला ता द्वारा आपण कोण करंतु आउथरे बाहर करंतु कोण उपाय ना लौकिक उपाय एठे कहउचने 9 नंबर ना बर्तन तीनटा जिनस दरकार अलग अलग जो सेक्ट अच्छे आपणकर गोटे हूँ देवता सेक्ट आ गए हूँ मनुष्य आ गए हूँ ऋषि आ गए हूँ पशु
समस्ते मोर ये पृथ्वी मो ऊपर निर्भर समस्त सहित बहुत कनेक्शन रही समस्त को एकठा करंदो और समस्ते संयम करके लेट देम सैक्रिफाइस एवं गोटे गोटे रिप्रेजेंट है कि तंगो मनन चिंतन कले मोर इस पृथ्वी तत्व भीतर मु सब कुछ दे देवी एटा प्रथम टिके बुझौछि मु वर्तमान डिटेल लिस्ट अछि तापर आउ थरे बुझेबी जद बुझिले या करंतु कोण आ ये भीतर तीनटा जिनस दरकार एटा गोटे रूपक माध्यम रे दिया गला मु होछि गाय माने पृथ्वी गाय रूप रे जेमिति गोटे गाय को बछड़ाटे दरकार सेमिति पृथ्वी तत्व को गोटे रिप्रेजेंट करंतु अलग अलग सेक्टर मनुष्य भितर जने रिप्रेजेंट हो ऋषि मानक भितर जने रिप्रेजेंट हो प्रतिनिधि ता कोंदे बछड़ा बछड़ा माने प्रतिनिधि तापर गुडे दोहन पात्र हो दोहन पात्र माने जोटा ग्रहण करबे तापर खीर जोटा कि जेमते एग्जांपल रे दिया गला गाय खीर दोहन पात्र गोटा आवश्यक पड़ुछि गीतामृत दुहे नमः वर्णन अछि अमर गीता ध्यान रे सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता गीतामृतम महत ठीक सेमती जेटे सेटे पांचटा जिनस दरकार पड़ुछि गाय बछड़ा देन जे पीब देन गोपाल एंड देन क्षीर एठ चारटा जिनस पृथ्वी तत्व मेन से पृथ्वी तत्व ही ओ समस्त संपत्ति अछि तापाई तीनटा गोटे होची बछड़ा आवश्यक का गोटे निमित्त करिवे आ गोटे होची पात्र आधार आ गोटे होची जोटा बाहरियो हेला तो वर्तमान गोटे गोटे मु कहूची फर्स्ट होची पृथु पृथु कौन कले कले ठीक अछि मु ही स्टार्ट कर दउ छी चैरिटी बिगिंस एट होम देन से तांकर पूर्व पुरुष मनु को मन पकेले मनु को स्मरण कले विराट प्रोजेक्ट ये हटात ही नी तापर से कोचन देखो तो फर्स्ट आपन गोटे काम करंतु मोर जो उबड़ खाबड़ जो जगह अछि ना तो समतल करंतु देखो एग्रीकल्चर आसीगला दि प्रोजेक्ट पाई निजे कहुचन समतल करंतु को नंबर रे 11 नंबर रे समाम च कुरुमाम राजन देववृष्टम यथापयः देववृष्टम माने जेतले देवता माने वर्षा करिवे ना वर्षा ऋतु जेतले आसीबो सेतबेले जेमेते पूरा जल रे आद्रता रहिवो ए माने भूमि रे आद्रता रहिवो केते सुंदर एबे जेमते आपण हमर मोर टिके मन रहूची जो माने कृषक माने चाष करचोने अक्षय तृतीया बळ को हळ करा जाय अपेक्षा करंदे पूजा करा जाय तापर वर्षा रो अपेक्षा करा जाय वर्षा हेगला पर देन पानी हेले मई करा जाय तापर धान दिया जाय दी प्रकार सिस्टम रे गोटे होची तळी दे जिवा गोटे डायरेक्ट जमी रे दे दिया जाय तने कहउचंदे वर्षा जल को तमे फर्स्ट होची समतल जदि करथिबो माटी को ताले जतले वर्षा पडियो सेटा आर्द्रता रहिबो एटा देखियो एटा ही काम अपरताप अपि भद्रमते उपावर्ते तमे विभो ता अगर आउरी भी कहिबे वर्तन स्टार्टिंग कर दउछन तमन तंग गोटे समय लागिथियो से समस्त को डाकिले समस्त को बुझैथिबे समस्त को रिक्वेस्ट करथिबे तापर से केमते पृथ्वी मां को आह्वान करके चिंतन करके संकल्प करके करउछन कोन तो से कले पृथ्वी मां कर कथा को फर्स्ट पृथु निजर जो दायाद मनु को कहले मनु को प्रथम रखले तो मनु हे गेले बछड़ा माने मनु हे गेले माध्यम एवं से निजो हाथ रे ही धान्य को दोहिले जेतले से धान्य को दोहिले सेतबले अनेक शस्य आसी गला
कारण मनु ही करथिले मत्स्य अवतार वर्णन अछि मनु ही एक्सपर्ट अछि त्यागी मध्ये बहुत तपस्या करछन्दि। अच्छा सेकंड आसीगले ऋषि माने समस्त निज निजर कंट्रीब्यूशन देवे हला समस्त निज निजर कंट्रीब्यूशन इट इज ए कलेक्टिव एंडेवर यज्ञ तेनाली यज्ञ कंट्रीब्यूशन रे कौन कर बृहस्पति को डकागला ऋषि माने कहले चलो आमर ए देवता मानकर ऋषि रियली देखा जाए तो देवता मानकर अलग इंद्र आसिले ऋषि मानक भितर गुरु ब्राह्मण बृहस्पति आसिले सी कले कौन कले तांकर जो पात्र होची ऋषि मानकर संपत्ति कौन संयम कंट्रोल तेणु तीन प्रकार संयम हला बाणी संयम मन संयम श्रोत्र संयम ये गोटे गोटे श्लोक मु देखुनी आप देखिए देखो ऋषय दद्रहीमिंद्रिय स्वथ सप्तम 14 नंबर वत्सम बृहस्पति कृत्वा पयच्छंदमयो शुचि तो कौन आसीगला पृथ्वी माँ कौन देदेले वेद रूप क्षीर देदेले छंदम मैंने वेद जो वेदर मंत्र थिला जो संगीतमय जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को भल भाव जानी पार नथिले आउ थरे पुनर्जीवित हेगला संगीत संगीत मध्य आवश्यक कौन से देश को ठीक रखिया को हले बर्तमान जमते राजनीति दृष्टि रो कौन से देश दूसरे देश सहित ये हुए नी किंतु फिल्म क्रिकेट ए संगीत एमानंक जोगु देखंतो गोटे प्यार आस जाउछि बर्तमान लता मंगेशकर देहांत हला पाकिस्तान रे मध्ये बहुत लोग झुरिले राजनीति दृष्टि रु कळ होई पारे किंतु ये गोटे फैक्टर ये भी आवश्यक जीवन रे तेणु ऋषि माने जो चिंतन कले संयम कले ये भी आवश्यक संयम किछि गोटे सेक्टर गोटे समाज हेबाकु हले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त रहिबे एवं किछि सेक्टर सेक्ट मान विभाजन किसी लोक केवल त्याग करेंगे तपस्या करेंगे से तपस्या द्वारा मां को बुझे दो जी स्वामी विवेकानंद जी जो प्रवचन दौले कले आई वांट 100 youth जे के दे कैन स्प्रेड दि नॉलेज तो जन युवक पचारे व्हाई यू वांट 100 youth आजिकल आसुना आप चिले किए आसुना व्हाई यू डोंट गो टू हिमालय आप हिमालय कहीं जाऊना हिमालय गुफार अनेक ऋषि बस डाकंतु कौन कहले से जानते कहले से मानु से जो तपस्या करूँ जो चिंतन करूँ जो सर्वे भवंत सुखिन सर्वे संत निरामया प्रार्थना करी जोगू ए संसारटा ठीक चली तेणु डोंट डिस्टर्ब देम भावंतु तांकर स्थिति से तो किसी जन ऋषि जो सेक्ट जो साप्तिक से माने केवल तपस्या करेंगे संयम तीन प्रकार है बाणी संयम फिर इंद्रिय संयम फिर मन संयम माने कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मनर संयम करके पाइबे कौन वेदमय दुग्धम रिजल्ट कौन वेद छंदमय सी भी आवश्यक तापर देखंतु तापर देवता माने आसिले तो देवता मानकर मेन हूँ इंद्र तो इंद्र से कौन कले शारीरिक बल देवता माने इंद्र इंद्र को मेन रखिले अमृत वीर्य माने मनोबल इंद्रिय बल शारीरिक बल ये सब पाइले तापर आसिले दैत्य दैत्य माने आसिले से माने मेन तांकर रिप्रेजेंटेटिव किए प्रहलाद तांकर पात्र कौन ना लोहमय पात्र लोह पात्र एवं आसला कौन मदिरा आसव स्वामीजी ये प्रहलाद तो मदिरा आसव पियंत किंतु ये राक्षस राज माने राक्षस माने प्रहलाद को ही स्वीकार करेले से माने ही तांको ही रिप्रेजेंट कले सी जदि न नियंते किंतु एमानको पय आवश्यक पड़ुछ एबे जेमते वाइन जने साधक जने ब्राह्मण पीवा उचित न एटा शास्त्र वर्ण अच्छी सुराम न पीबे मध्यम न पीबे या हेले कौन हम ना पाप हम कि जन सोलजियर सी के माइनस 30 चलुची
सियाचेन रे तांग पाई तो टिके दरकार पड़ुची से पियंती ऑफिशियल मिले वर्तमान मध्ये बहुत मिलिटरी लोक ऑफिशियल रे जो मिले पियंती नै तेणु प्रहलाद नेले नै किंतु तांकर जो राक्षस आदि दरकार से माने नेले हला गंधर्व अप्सरा माने से माने कहले ओके वी आर कंट्रीब्यूटिंग आमे माने कंट्रीब्यूट करुचु तो आपण माने जदि कंट्रीब्यूट करिवे तो विश्वावसु होचन तांकर ये रिप्रेजेंटेटिव हेले से माने कमल रूपक पात्र धारण कले कमल होचंते ए जो कमल फूल कमल होचि गोटे सौंदर्यर प्रतीक निलिप्ततार प्रतीक तेणु ये कमल रही संगीत माधुर्य सौंदर्य मिलगला अर्थात देख केते जन को ये जो लवली क्रीम ये लगेले ही जो माने एक्ट्रेस माने समानंगो एत्ते सब करिया को पड़ुछि आउ के जन किछि करनते नै जेमते सेमते निखार हो जाए कहीं ना यही गंधर्व अप्सरा मान कृपा तो से मितर सौंदर्य आसीगला तापर पितृगुण आसिले जो मैंने श्राद्ध दिये पितृगुण से मैंने अर्ज्य मान को मेन रखले से मैंने मिट्टीर पात्र रखी थे एणु कव्य पितृंकर जो अर्पित दि जाए ना कव्य सहीटा आसीगला गोटे गोटे सब रिजल्ट आसला तापर सिद्धगण विद्याधर आसिले तांको कपिल ऋषि को डाकिले कि आपण होचंदे अमर ये तो कपिल कहले ठीक अछि मु रिप्रेजेंटेटिव होई जीवी तनो आकाश पात्र धरले कपिल मिलला कोन अणिमा आदि सिद्धि सिद्धानाम कपिलो मुनि सेतमे भगवान कहचंदे सिद्धानाम कपिलो मुनि अच्छा तापर भूत पिशाच ने किम पुरुष को डका गला से किम पुरुष माने कहले कि आम मानकर जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है मय दानव ठीक अच्छे तो मय दानव है कौन तक मिलला कौन अंतर्ध्यान हेवा विचित्र रूप धारण करवा माय रूप धारण करवा देख जो जो गुणटा जो सिद्धि जो उपाय सब नष्ट हो जाता आउ थे आसीगला इति जो पूरा टोटल एते बड़ प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड रफ ब्यूटीफुल वर्ल्ड फाइनल फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रोजेक्ट समस्त सैक्रिफाइस एंड कंट्रीब्यूशन रही किम पुरुष हेगला भूत पिशाच कले भूत पिशाच माने गण हूँ भगवान शंकर रुद्र रिक्वेस्ट कले कले आपण आम रिप्रेजेंटेटिव हूँ एवं से कले ठीक अच्छे कपाल पात्र धारण कले रुधिर आसव सब आसला से भूत पिशाच दरकार साप बिछु तेणु से माने तक्षक डाकिले तक्षक तमें होचंदे आमर रिप्रेजेंटेटिव आउ सी कहले मु धरिबे मुखरे तेणु तांगो विष आसीगला तेणु ये भी दरकार आवश्यक केमती ना देखो तो साप जो विष अच्छी सीए चूहा को खाइब तेणु चूहा कौन कर एटलिस्ट जो शस्य शाणी आगे काटिपर 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार बेलू जापान रे या क्या आउ कौट जर्मान आदि को गोटे जगार सेठर जमी अभी चाइना रे अलग अलग सब नियम हो जहाँ भी राजा चाहूँ ताकत तेना से राजा कौन कले जिते सब साप था व्यक्तिगत शत्रु किसी साप को सब मारे कहले मारदि जो साप को मारदे से वर्ष तर फसल सब खराब हो गला जा खस कहीं साप को चूहा खाऊला चूहा मान मूसा ये मूसा मान सुविधा हो गला आउ मारे कहीं ना तेनाली कौन कले वृद्धि चलला ट्रेमेंडस वृद्धि हो गला से सब शस्य को नष्ट करदे तो राजा बुझी पारे ना सब कौन है पचारे देन साइंटिस्ट मान विचार कले हूँ कौन देन परीक्षा कलापर जान पारे साप कटिबार चूहा बढ़िबार चूहा काटदे कहे ना आज्ञा ये संसार रे सब जिन दरकार आउ गोटे कौ देश सब भेर साप अण आला रखला देन बढ़िले गोटे सत कथा सब जिन आवश्यक संसार रे तेणु साप मान आसिले तक्षक राज हेले रिप्रेजेंटेटिव विष मिलला पशु मान को कले तम मैने तो पशु मान कले ठीक अच्छे आमर हूँ बेल महिषी षंड सी हूँ मेन
आउ आपणकर पात्र कोन ना अमर तो जंगल होच आम मानक मेन तो आसिला कोन तृण घास तापर मांसाहारी जीव आसिले ए जो पशु जाक मांसाहारी जीव ये तो बेल थिले सिंह आसिला ता तमर पात्र कोन ना शरीर अच्छा तुमको कौन मिलो कंचा मांस मिलो तो यह भी हूँ आम आदिम काल आम देखी कि कंचा मांस जो कौ पशु मरीगले से कंचा मांस खिया होता है सीना अग्निर आविष्कार है जो जंगल जली जाए मांस जाक सब पोड़ जाता देन खाइले भल लगे यहपर भाव सब इतिहास आम पढ़ुच पक्षी पक्षी मेन हूँ गरुड़ गरुड़ को डाकिले सी चर एवं अचार पदार्थ को प्राप्त करेले तापर वृक्ष वृक्ष मानकर जे रिप्रेजेंटेटिव बट बट वृक्ष सब वृक्ष भीतर रस प्रदान हला तापर पर्वत आसिले समस्त जिते सब पर्वत वर्ल्ड रे से माने कहले कि चलो हिमालय होची सबुठार बड़ पर्वतानाम हिमालय तेणु हिमालय आसिले सी स्थानटा नेले शिखर एवं मिलला अनेक धातु देखो आमर पहाड़ रे ही सब किसी मिले पहाड़ टा खोदिले आम मानक अनेक इरानियम टू आरंभ कर सोना नीलम जिते सब पर्वत सब मिले यहीपरी भाव सृष्टि माने दोहन कले अर्थ कौन ना इट इज ए कलेक्टिव एंडेवर समस्ते निज निज सब कर चलले पृथु देखले समस्त को मिलगला माने ये 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 गोटे संसार रे समाज रे कई आउ भुकिले रहिबे नी इट इज ए फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड हेगला फुल फ्लेज पृथ्वी रे तत्व रहिगला तो पृथ्वी तत्व कौन कले ना सर्व काम दुआ पृथ्वी प्रति सेट कले हे पृथ्वी तुम्हें वीर भोग्य वसुंधरा तुमको अनेक राजा मान भोग्य रूप से भोग्य रूप से देखिछने किंतु आज ठार मु डिक्लेयर करछि तुम्हें होचो मोर पुत्री जेमिति पुत्री झीओ को श्लोक देख अठाईस दुहित्र मने झीओ कन्या दुहित्रत्वे चकोरो मा चकोरो एमं प्रेमणं दृहित वत्सल तेणु स्नेह देले से स्वीकार कले तापरे कहले कि मु वर्तमान तो धनुष बाहर कर देछि तेणु जिते सब उबड़ खाबड़ सब पर्वत राशि अच्छी मुझे फाड़ी दे कि काटि दे कि समतल कराऊ समतल कर बड़ा सुंदर इंजीनियर सिस्टम आदि की करे कि प्रजावर को भूमि देले एवं अनेक सेक्ट ऋषि मानक आश्रम देवता मानक यज्ञशाला हाँ सब करेले अलग अलग गाँव ये एकतीस बतीस देखते कौन से करेले ये मान या शुणिले गोटे बढ़िया लगे ग्रामान पुरा पत्तनानी ग्रामान माने ग्राम पुरा पुरा माने नगर पत्तन पत्तन माने शहर पत्तन आम ओडियर मध्य एटा पत्तन दे पत्तन माने देचंती शहर आप अष्टादश अध्याय तले निजे देखंतु पत्तन नगर विमान पत्तन इंद्री कहते तो नगर तर ग्राम पुर पत्तन दुर्ग अनेक दुर्ग गाँव कस्बा पुर नगर दुर्गाणी विविधानी घोषान घोष माने ये अहिरंकी बस्ती घोष घोष माने कौन जानते गोपाल बस्ती आउ ब्रज माने गोरु गोरु गोठ कहते ब्रज ब्रजर अर्थ ही धूली एवं गोरु गोठ जोटा गोरु माने रहंती गोठ माने बस्ती पशु रही स्थान घोषान ब्रजान सशिविरान शिविर छाउणी कैंट जा कहते ने छाउणी कैंट देन शिविरान अकरान खेट खरवटान अर्थात पहाड़ को सब समान करके गांव सब तैयारी कले एत सब समस्त जगह दिगला ऋषि मान जगह बस्ती मान जगह प्लानिंग जमी गोटे चिकित्सालय रंड रलाब रेम कौट कौट तैयारी हम सब एत सुंदर डिजाइन करके व्यवस्था करदे
कहते एमती ता पूर्वर प्राक प्राक मान पूर्वर प्राक पृथो इह नैवेशा पृथु पूर्वर एमती नथिला सिस्टम प्राक मान पूर्वर नथिला पूर ग्रामादि कल्पना पूर ग्रामर कल्पना पूर ग्रामर जो डिजाइन जो ब्लू प्रिंट एमती नथिला ये ही करेले पूर ग्रामर विभाग जमी आम मान देखुचे ना गोटे हूँ स्ट्रीट तापर हूँ विलेज तापर गोटे भाया तापर आउटिके गले पोस्ट ऑफिस देन पुलिस थाना देन आप जो पुराण लिखुना आजिकल तो चिट्ठी फिट्टी बहुत कम लिखाऊँ एट पोस्ट एट गोटे अच्छी फिर पोस्ट गोटे रोचे फिर पुलिस स्टेशन अच्छी फिर तापर भाया अच्छी देन तापर डिस्ट्रिक्ट रही तापर स्टेट रोचे तापर जमी म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन आदि सब ना अच्छी सेमती जो विभाग सी करेले प्राक पृथोर नैवेशा पूर ग्रामादि कल्पना यथा सुखम बसंते स्म तत्र तत्र कुतो भयाः निज निजर सुविधा अनुसार बसिले एवं बढ़िया बसिले शेष एत सुंदर सिस्टमेटिक राज्य शासन कले जितने राज्य शासन कले उन्नीस अध्याय को आसवा ता पूर्व टिके आम जगन्नाथ दास रे कोटा कोटा रही मुझे मन पक कौन अठर अध्याय लास्ट रे भूमि रे उच्च प्राय स्थान धनु हूले करि समान तमे या कर देन लास्ट 31 ग्रामादि पुर जे पतन दोष ब्रज सबर स्थान आखर खेट जे खर बट दुर्ग ग्रामादि जे निर्मित से राजा अति स्नेह भरे सकल जीवन को निर्भरे जनं को पाले पिता प्राय सकले रहिले निर्भय निश्चिंते रहिले सकले अचल जेसन निश्चले जोटा मन पड़े सेटा को एटा देखिले बतन 19 अध्याय को जीवा 19 अध्याय रे कोन हिची जतले शासन सब सिस्टमेटिक ठीक है गला देन धर्म यज्ञ अनुष्ठान करिया पई इच्छा हो तनो राजा भाबिले ऋषि मान को डाकिले एवं कहले के गुटे विराट यज्ञ करिवा केते यज्ञ ना 100 अश्वमेध यज्ञ आज्ञा 100 अश्वमेध यज्ञ कला माने से पोस्टा मिलि जीव इंद्रंकर तनो से इच्छा कले ब्रह्मावर्त क्षेत्र गले ब्रह्मावर्त क्षेत्र रे जोटे सरस्वती नदी पूर्व मुख हो बहुत से क्षेत्र जाकि अश्वमेध यज्ञ रीक्षा नहीं गले 100 अश्वमेध यज्ञ अथ अधीक्षत राजा अधीक्षत ने दीक्षा ने उन्नीस अध्याय स्टार्टिंग इंद्र विचार है अच्छा ये 100 यज्ञ दीक्षा नौ माने ये शतक्रतु शतक्रतु माने 100 यज्ञ शतक्रतु यज्ञ ना माने इंद्र ना फिर एब्रिविएशन होची जमी जनरल नॉलेज जीके प्राइम मिनिस्टर पीएम सेमती शतक्रतुर शक्र तो इंद्रंकर ना होची शक्र शक्र सुत रामचरित मानस आसुची जयंत्र ना तो शक्र सुत तेना इंद्र को शतक्रत जी शक्र तक लगे सी कह अच्छा यहपरी भाव किंतु कर सुंदर यज्ञ से समस्त आह्वान करेले हरि भगवान यज्ञेश्वर साक्षात दर्शन एवं दर्शन देले से ब्रह्मा रुद्र अनुचर सहित लोकपाल आसिले गंधर्व मुनि अप्सरा मध्य आसिले सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव यक्ष सुनंद नंद आदि आसिले अनेक सिद्ध माने कपिल मुनि नारद दत्तात्रेय योगेश्वर मध्य आसिले समस्त आसिया पई लगले वृक्ष दूध दही अन्न घृत समस्त समर्पण करिया पई लगले एवं कौन कला इंद्र 99 यज्ञ हे गला 99 अश्वमेध यज्ञ 100 बळकु घोड़ाटा चोरी कर देला घोड़ाटा जत चोरी कर देला सेत हठात नियम अनुसार तो आ पूर्ण हो पारे
तो अश्वमेध यज्ञ रे अश्व होचंती इंपोर्टेंट अत्रि ऋषि कहिदेले एवं पृथु राजा तो बसचंती यज्ञ रे से होचंती जजमान रूप रे मौन रे अछंती आउ अन्या किछ करिवेनी अधर्म किछ करिवेनी ए समय रे कोन हेची अत्रि जेतल देखले पृथु राजांगर जे पुत्र थिले तांको कहले जाओ इंद्र चोरी करके न जाए चला कि इंद्र कौन कला गोटे जटा फटा पिंधिक गोटे धार्मिक हो बस पड़ला तो पुत्र भाविले कि कौन से गोटे सन्यासी बस फेरी आसल अत्रि कह अरे अरे यही तो इंद्र मारे बस जो इंद्र को परास्त करने मारे बसिले ठीक है सब ना से विजिताश्व होती अठर नंबर श्लोक देख तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष परमर्षयः नामधेयं तदस्तस्मे विजिताश्व इति प्रभो विजिताश्व ना हेगला एवं सी जेतले यज्ञ रे यज्ञ पशु को बांधि देला एई समय रे मारिया पई जेतले आसिले हमरो से पृथु जोर रे चले नाही 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 अपन मारंतु ने यज्ञ जेतले विघ्न होउछि 100 होई परने एवं इंद्र ही कारण उठीगले एवं मारिया पई बसले ठीक है समय ब्रह्मा आसीगले कहले देखो फर्स्ट हो दीटा जिनस मन रखता तुम्हें यज्ञ कौन पे कर हंड्रेड साधारण तो 100 यज्ञ इंद्र पद पाई डू यू वांट इंद्र पद ना ना ताहले जदि 100 होनी इंद्र विघ्न कर दौरान चिंता कर तुमर जो यज्ञ सफल कर जो कि भगवान खुशी है जीवे आ इंद्र जोटा खराब काम कर दंड से भोग एणु ये जो पाखंड जो धर्म आरंभ हुए ना वर्तमान भी अनेक देख पाखंड धर्म उड़ीसा रे भी अन्य अन्य सब ना होकर बदनाम होती पाखंड धर्म ये आरंभ कर इंद्र 38 रे अछि सत्तुम विमृश्यासप भवम प्रजापते संकल्पनम विश्वसृजम व्यपिप्रहि ऐन्द्रिम च मायामुपधर्म मातरम प्रचंड पाखंड पथम प्रभुजहि ये इंद्र कौन करे पाखंड धर्म आरंभ करछि अनु जो लोक मानको पाखंड धर्म भल लगियो से माने करिवे पाखंड रूप पथक इंद्र माया ये अधर्म रही जननी तेनाली मारतनी पाखंड को मारत माया को मारत कि इंद्र को मारतनी एवं जेते निजे तो भगवान विष्णु जो प्रकट हे ना नेक्स्ट अध्याय का देखा सेत निजे भगवान ही इंद्र स्थान एवं पृथ्वी को बड़ा सुंदर बुझौते निजे ही ब्रह्मा तंगो उपदेश दौंते कि देख इंद्र को तुम्हें बद्ध करवा उचित न कारण इंद्र मध्य भगवान करो मूर्ति इंद्र मध्य भगवान करो मूर्ति एवं स्वयंभू प्रत्यवेशदा स्वयंभू ने राजा 30 नंबर श्लोक देखो नवध्यो भवताम इंद्र यद्यज्ञो भगवत तनुः ये जे यज्ञ होची भगवान तनु भगवान शरीर यज्ञ रे इंद्र होची गोटे देवता इंद्र को आमे आह्वान करचु समर्पण करचु इंद्र को आमे अर्पित करचु आ समस्त देवतांको भीतर से श्रेष्ठ राजा एंड इंद्र भगवान ही तनु शरीर एटा निजे भगवान मध्य कहे एवं ब्रह्म कहते तेणु तुम्हें मारवा उचित न तुम्हें यज्ञ द्वारा जो उपासना कर लो देवता मान ना से इंद्र रही अंग समस्त देवता सम्मिलित हेले इंद्र हो तेणु तुम्हें हाँ इंद्र ने जो पाखंड करा ताकू तुम्हें उच्छेद कर दियो ताको तमें ध्यान दियो एणु ये पाखंड मार्ग प्रचार तो हम ये कलि युग त्रेता युग द्वापर युग हम निश्चय किंतु
तुम्हें आउ चिंता करने आउ 100 यज्ञ पूर्ण हो पाई जो भावना भी तुम्हारा आवश्यक नहीं कारण तुम्हें निष्काम भाव कर पृथ्वी को शासन करने अलौकिक दृष्टि कर सकाम भाव कर असुविधा हम जेकोसी भावनार मध्य जदि सकाम भाव कर मोपाई भल हम मुतिपाई कर मोर ये भल हम परिवार भल हम सकाम हो गला तुम्हें निष्काम भाव कर कहार पाई ना मुतिपाई कर मोर यार कौन हम बस से सेकेंड क्वेश्चन हवा उचित नु मु जस्ट कर्म करुची मु शुणुची बस मोरी पाई केबे हेले अन्य सेकेंड क्वेश्चन आसीगले ता सकाम हो गला निष्काम ओनली केवल आत्मकल्याणार्थम से निज को निज पचार कौन पे शुणुची मु प्रचार करिया पाई नाम हेबा पाई से कहते ना तुम एटा करो न तुम छाड़ दियो तुम्हें बंद कर दियो वर्तमान यज्ञ आ भगवान को आह्वान करो तुम्हें जो भगवान को आह्वान कर भगवान आसजे तेणु ब्रह्मा कहले तुम्हें छाड़ दियो आ देख नियम अनुसार यज्ञ कला क्रोध कर तुम्हें क्रोध रि ही भयंकर मोहर मनुष्य नष्ट हो जाते बस यज्ञ को बंद कर दियो भगवान को आह्वान करो एंड भगवान आसवे आपण को मु मन पकाउछि आपण होचंति निजे साक्षात विष्णु अंश साक्षात विष्णु 37 रे कहउछन्ति भवान परित्रात महावतीर्णः आपण साक्षात विष्णु अंश धर्मम जनानाम समयानुरूपम आपण आसचंति कोन कोन पे ना बेन आपण कर जे शरीर रो बापा एते दुराचारी थिले जेतोले से बहुत दुराचारी कले ऋषि माने भस्म कर देले तांकर शरीर ही आपण को आह्वान कर कि जेतोले मंथन कले भगवान आछन्दे भगवान ही आपण भगवान कर अंश आपण आपण अवतार नहीं चंदे कौन पे बेना पचाराद अवलुप्तम अद्य तद्देहत विष्णु कला से वैन्य हे वैन्य आपण विष्णु कला आपण एथिपै आछन्दे धर्म रक्षा करिया पे आछन्दे तेणु आपण सिया करंतु या कोई कि ब्रह्मा आसीगले जगन्नाथ दास पढ़दबा ये हूँ 19 अध्याय 30 रे इंद्र नारायण तनु देहा को छाड़ तुमे मनु ये इंद्र मध्य नारायण तनु तेणु तुम्हें इंद्र कोप छाड़ दियो एवं से अनुसार तुम्हें कौन कर ना ये तो अवतार 37 तो अवतार ए जगते तुसे सकल गुणमणि अपूर्व नहे किछि पुणी बेणर देह जेते दोष तो जन्म कला ताहा नाश तु एबे मोरो बल कर पाषाण्ड प्राणी उद्धर तेणु बर्तमान छाड़ दियंतु एपरी भाव में ब्रह्मांकर वचन शुणी इंद्र को जो कोप करिया कथा छाड़ी देले एवं यज्ञ रे ब्राह्मण मान को सब दक्षिणा देले दक्षिणा दे कि यज्ञ समापन करैले विप्रजन बहुत खुशी हेले ब्रह्मांक वचन शुणिकी एमती कहिकी एमंत कही पद्मजोनी संगे सकल विप्रघनि आ ब्रह्मा चली गले सुन विदुर तोषो मने कहइ दास जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत तापर से यज्ञ लास्ट रे भगवान विष्णु प्रकट हेबे जोटा कि आम माने काली देखिबा आज सुंदरकांड पाठ अछि 3-4:30 तापर मोटे त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओ समस्त को आमर भागवत प्रसंगी स्वागत। कि सूचना दे दिए आपण मान को आम कंटिन्यूसली कही आसीचु आमर मोर सत्संग कौन कौन प्रोग्राम मान आम परिचालीचु। आज शनिवार प्रति शनिवार दिन ठीक 6 बेले आमर एबे ऑफलाइन आरंभ हो गला। गवर्नमेंट निर्देश द्वारा मंदिर फुल फ्लेज चालू हो सारा। भक्त मैंने आसवा भी आरंभ कर सारे। जो मैंने बम्बई रोचे विशेषकर सूचना आपण मैंने मंदिर को आसीपर प्रभु दर्शन नहीं पारे पूजा विधि भी करें। द्वितीय कथा प्रति शनिवार दिन संध्या 6 बेले सुंदरकांड पाठ हुए। समूह पाठ अनेक लोक आसती भक्त मैंने आसी से बस पाठ करती आपण भाग नहीं पारे प्रति शनिवार दिन 6 बेले। एवं आज द्वितीय शनिवार दिन आमर भजन संध्या हुए केवल जगन्नाथ भजन तो से संध्या बेले 7:30 हुए। यही लिंक मोर यही लिंक रे आपण मैंने जॉइन करें। जो मैंने भल भजन कहवाक चाहती से मैंने आप नाम पठे पारे। तृतीय कथा आसंता का रविवार प्रति रविवार दिन गत 6 है मंदिर प्रांगण भितर सामूहिक श्री जगन्नाथ सहस्र नाम पाठ हुए सका 10:30 सामूहिक ऑफलाइन आपण मैंने आसीपारे। अष्टकम बही आम पाखे अनेक अच्छी आपण आसीपारे से बस समस्त सांगे एकाठे सामूहिक श्री जगन्नाथ सहस्र नाम श्री जगन्नाथ सामने बस आप पाठ भी करें। आसंता काली आम 6 पूर्ति होके आडम्बर हम यज्ञ इत्यादि हम आपण मैंने निजे आसी ऑफलाइन डे पर्सनली निजे आसी भाग नहीं पारे। कल महाप्रभु भोग भी अच्छी तापरे आसंता काली संध्या बेले 7:30 श्री जगन्नाथ कथामृत अच्छी श्रीमती विजयनी शतपथी आसंता काली प्रवक्ता बहुत भल कथामृत से कहती महाप्रभु श्री जगन्नाथ विषय तो कल आप जॉइन करूँ संध्या 7:30 शुणीपारे। यहाँ है आमर आज और कल प्रोग्राम सूची आप नोट करें। ये सब ऑफलाइन हम केवल संध्यार प्रोग्राम 7:30 प्रोग्राम से ऑनलाइन आमर लिंक चेंज हुए नहीं आम यही लिंक आपण मैंने जॉइन कर धन्यवाद। आज भागवत टुंगीर चतुर्थ स्कंद 8 अध्याय पाठ करिवे श्रीयुक्त अभिमन्यु दास। अभिमन्यु बाबू आपण प्रस्तुत अच्छा अच्छा आरंभ करंतु आज्ञा। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोहित राणी
हरि हरि विद्यारूपी आनंदमय बसिले भावे माया माया भी गाना पुत्री आती भारणी आनंद करे बसी आनंद पत्र करी मन करे दूसरे अंतक नाम मिले जस्तरक्षण उसावे तारा जस्तु धन कपाड़ो पत्र को करी ले रुकन को वैरी बच्चा करे रुबीरा मत्या हरिओम 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 हरिओम।
वर्तमान 19 अध्याय पढ़िवे श्रीमती अनीता महांती। अनीता जी आज्ञा आरंभ कर। प्रणाम 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 स्वामी जी। प्रणाम पंडा भाई। प्रणाम। नाय नमः श्रीमद् भागवते नमः। 19 अध्याय अश्वहरणे बहिरोसा पृथु चिंतन्ते इंद्रनाथ तांकु निषेध कले धाता ऋणविंशरे एही कथा। मैत्र उवाच एबे हो सुण विष्णु गाथा कहिबा पृथु यज्ञ कथा मिली सकल मुनि जने संतोषे पृथ्वी सन्निधाने यज्ञ करण उद जोगे सर्वसंभार आनी बेगे सुप्राची सरस्वती तीर्थे आरंभ कले ब्रह्मा वर्ते यज्ञ संभार इंद्र देखी न सही मने हेला दुखी से यज्ञ यज्ञ पति हरि प्रत्यक्ष हेले दया करी शंकर पद्म जोनि मेले मिली सकल दिग पाले गंधर्व अपसरा गणे मुनि वेद उच्चारणे आनंद गीत नृत्य स्तुति सिद्ध गुह्यंका पंति पंति दानव दैत विद्याधरे से यज्ञ मिलिले से यज्ञ मिलिले सकले सुनंद नंद आदि माने हरिर पारिषद गणे कपिल नारद जे दत्त सनक आदि उपगत से पृथ्वी जगे बसुमती धेनुर प्राय दुग्धवती काम धेनुर प्राय होई सर्व संपद देला मही नदी क्षुद्राक्षा जले बहिले लहरी उल्लले घृत संयोगे दधि अन्न तो से भुजंती सर्वजन सकल वृक्षे मधुपंती जिमुत प्राय बरसंती समुद्रे नाना रत्ने पूरी गर्जंती उल्लल लहरी पर्वते चतुर्विध अर्ण देई रंजिले पृथ्वी मना लोकपाल के लोक तुले सर्व संभार संपादिले पृथुर यज्ञारंभ चाही बासव मने विचारई ए पृथ्वी सत कर्तृकले लभिब इंद्र पद भले मोर संपद जीवनाश एमंत चिंती छाड़े श्वास यज्ञर उन्न ऋण सतंते आत्मा रहित चिंती चिते यज्ञ पशु को हरि नेला निज भुवने विजय कला आकाश मगे इंद्र गला पाषाण्ड धर्म आचारिला धर्मे विभ्रम तार मन सभाए चित छन छन अत्रि जे यज्ञ साले थिले अश्वर हरण जानिले पुत्र पृथ्वी पुत्र को राई बेगे इंद्र र कर्म तार आगे कहिले अश्व हर बाणी पृथ्वी तनय ताहा सुनी धनुषर को धरी करे सुने धाईला कोप भरे डाकई रह रह बाणी सभाए इंद्र ताहा सुनी निज शरीर छन्न कला जटिल रूप प्रकाशिला भस्म भूषित देह चाही पृथ्वी नंदन विचारई जटिल भस्म या गात्रे या कुमारी बिके मंते एमंत मने विचारिला इंद्र को बाण न छाड़िला तार रही बा पथ देखी अत्रि यज्ञ साल उपेक्षी बोलई इंद्र बेगे मार स्वभावे यज्ञ अश्वचोर डाकंती मार मार बेगे तासुनी इंद्र शून्य मार्गे भय चाहई दस दिगे दस दिशे स्वभावे के ही नाही पासे एमंत अत्रि रवचन सुनंते पृथ्वी रानंदन धाईला शून्य कोप करी हस्ती कुजे सने के सरी बासव देखी त्रास मन अश्य कु छाड़ी अंतर्ध्यान रहिला शून्य मार्गे जाई पृथ्वी नंदन विचार
जाई अश्व को घेनी मारो से इंद्र को चाहे दश दिशे न देखी पुणी यज्ञ स्थाने मिलिला अत्रि सन्निधाने अश्वर रजु करे धरी अत्रि चरणे नमस्कारी तार अद्भुत कर्म देखी मुनि नाम उपलखी विष्णु उद्देशी आने अश्व देले ता नाम विजिताश्व पुणी ही रजनी प्रवेश इंद्र मिलिला यज्ञ देशे देखिला के ही नाही पासे से पूर्ण मन रहरसे यज्ञ रजुप तलु छने हरिला सुबर्ण रसने बिचारी अंधकार छले अश्व को पुणी नेला बले अत्रि देखते शून्य मार्गे त्रासे पलाए इंद्र वेगे विजिता स्वर मुख चाही बोलाई अश्व आण जाई ता सुनी हस्ते धनु धरी धाईला गोरा नाद करी डाकई रह रह बाणी तार वचन इंद्र सुनी पथे अश्व को छाड़ी छने तक्षणे गला अंतर्धाने पुणी से अश्व धरी करे मिलिला पिता यज्ञ घरे अश्व चोरंते इंद्र पथे छले धईला रूप जेते पाषंड जन से ही मते रूप प्रकाशंति जगते पृथुर यज्ञ विनाशने इंद्र रजेते रूप छने पाषंडे से ही रूप चिंते संसारे भ्रम से करांति के नग्न रक्त पट धरे के भस्म भूषण शरीरे अधर्म मार्ग आचरंती आत्मार हित न करंती पाषंड मार्गे थाई निते भूषण दे वेद पथे जे रूप प्रकाशी ब्रह्मांडे निगम निंदी बेपाषंडे तांक मत जे करंती अंते नरके प्रवेशंती से कथा सुनी पृथु कोपे इंद्र झिंगा से देह कंपे इंद्र मारणे कोप करी निज को दंड सर धरी कोपंते अरुण नयन प्रचंड विराजे बदन पृथु गमन देखी रणे बेगे मिलिले विप्रगणे इंद्र विषय कोप बही बोलंती पृथु मुख चाहे वो पृथु सुना धर्म कथ आगम निगम व्यवस्था पशुर बिना न बध यज्ञ रे अटई निषेध तो यज्ञ कीर्ति नासे इंद्र आंभे नासिबु ता नरेन्द्र मंत्र आह्वान बले करी अग्नि रे आहुति कु धरी नासिबु तो हो रहित तोर मारिबा नोहे जुक्त ए मंत्र पृथु आगे कही ऋतु के अति कोप बही सुवा को सर्वे धरी हस्ते अग्नि रे आहुति दियंते ब्रह्मा मिलिले तत्क्षणे समस्त मुनि सन्निधान इंद्र रहित चिते बही बोलंती मुनि गणे चाही सुना हे सर्व विप्रवर जाहांकु यज्ञ तुम्हे मार जे देव यज्ञ भाग भुंजे से देव देह इंद्र तेजे ए इंद्र नारायण तनु एहा कु छाड़ तुम्बे मन्यु एहार देहे सर्व देवे नित्य बसंती यज्ञ भावे आहुति जार मुखे देई ताहा कु कोप न जोगाई एहा कु कोप तु न कर यज्ञ पुरुष अर्थे बर ए धर्म परम कारण से सृष्टि उदाहरण ए यज्ञ द्रोह कर्म कला पाषंड पथ विस्तारिला पाषंड उद्धारिबा अर्थे तो अवतार ए जगते तुसे सकल गुणमणि अपूर्व नोहे किछि पुणि बेसर देह जेते दोष तो जन्म कला ताहा नास तू एबे मोर बोल कर पाषंड प्राणी की उद्धार मैत्र उवाच एमंत ब्रह्मार वचने इंद्र को कोप छाड़ी मने यज्ञ रावृथ स्नाने दक्षिण दे विप्रजने यज्ञ तुसिले सर्वजने अन्न वसन धेनु दाने से विप्रजन हो तो पृथु क्यु करंती आशीष ब्रह्मा वचने सर्वदेवे तो
होइले यज्ञ भागे हेमंत कही पद्मज्वनी संगे सकल विप्रघेनी तक्षणे गले निज स्थाने सुण विदुरा तो समने कहई दास जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत चतुर्थ स्कंदे पृथ्वीवाणी सुनी संसारु तर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथ्वीचरिते अश्वमेध एकोनविंशोऽध्याय समाप्त। ओम शांति 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 हरि ओम प्रणाम समस्त श्रोता प्रणाम क्षमा क्षमा भूल थिले हरि ओम। आमर गोटे शांति पाठ अच्छी से पठेबि आज आम ग्रुप देखा भल भाव के पढ़ी पारे मतलब जनइबे शांति पाठ मु पठे समय पर आम ग्रुप रे पठे ओ हरि ओ पार्वती उवाच केन उपायन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रक पठ दे पंडित नत्यम शतुमिच्छाम्यहम प्रभु। ईश्वर उवाच श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने श्री राम नाम बरानन ओम नमो हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।